स्टूडेंट्स, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट को रिलीज कर दिया और मेरिट लिस्ट को रिलीज करने के बाद में उन्होंने न्यू अलॉटमेंट दिया और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को अपग्रेड किया और जो स्पेशल कैटेगरीज थी कैरिकुलम की और उसके अलावा स्पोर्ट्स, ईसीए, इन सब के लिए उन्होंने क्या किया, सीट्स अलॉट कर दी। अब सबसे बड़ी बात जो मेरे को शॉकिंग लगी इसके अंदर वो ये थी कि मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन किया और वहां पे मुझे देखने को मिला कि उसकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जबकि उसको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था राउंड टू के अंदर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो उसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो बेटा देखो, इस केस में क्या हुआ है उसके कि कॉलेज ने उससे कुछ क्वेरी रेज की थी और उसका जवाब उसने जो उसका पर्टिकुलर जो टाइम होता है ना, जैसे अभी आप लोगों को कॉलेज का जो टाइम है जिसमें कॉलेज आप लोगों की एप्लीकेशन को अप्रूव्ड करेगा, तो वो आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो आप लोगों से एक क्वेरी रेज करता है। जैसे आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, आप जैसे ही लॉगिन करते हो अपने सीएसएस पोर्टल के अंदर तो वहां पे लिखा आ रहा है थर्ड राउंड एलोकेशन के लिए, तो वहीं पे ऊपर लिखा आता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसी के आगे आपका क्वेरी सेक्शन लिखा हुआ होता है। तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेरी पे अगर कॉलेज क्वेरी करती है तो उसको आप लोगों को फुलफिल करना है, नहीं तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो मेरे भाई अच्छे से इन चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो आप लोगों का जो ड्रीम कॉलेज मिला है या जो भी कॉलेज आप लोगों को अलर्ट हुआ है वो आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल के साथ।